जनसंघ के संस्थापक पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि शुक्रवार को किरंदुल मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बलिदान दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में जिले से पहुंचे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुरानी सहित उपस्थित जनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदान को स्मरण किया। इस दौरान नंदलाल मुरानी ने कहा कि आज डॉक्टर मुखर्जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 को मुखर्जी ने कश्मीर की धारा 370 के मुद्दे पर अपना बलिदान दिया था। उनका बलिदान स्वतंत्र भारत का एक ऐसा बलिदान था जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान देश कभी नहीं भूल सकता। मंडल अध्यक्ष धर्मपाल मिश्रा, मंडल महामंत्री संजीव दास ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाना उनका एक सपना था जो वर्तमान में मोदी सरकार ने पूरा किया। 70 साल का वो बदनुमा दाग देश में हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। बीजेपी के द्वारा देश को दिया गया वादा एक देश एक विधान और एक निशान हकीकत बन गया है। कांग्रेस की गलत संधि के कारण कश्मीर और देश के खिलाफ धारा 370 के रूप में कश्मीर पर थोप कर जो साजिश रची गई थी, जिसे अलगाववाद आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया था, उस नाजायज कानून को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से हमेशा के लिए मुक्त हो चुका है। कश्मीर आज विकास और अखंडता के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुरानी, मंडल अध्यक्ष धर्मपाल।